नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसे हम बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। होती क्या है एक बार जरा देख लो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे? वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक किसी दूसरे नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्या हो जाए? प्रतिस्थापित हो जाए। मान लो हमारे पास क्या है, आर एक्स है। क्या है बच्चे? आर एक्स। ये जो एक्स है ये एक आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, ठीक है। हमने यहां पर कोई दूसरा लिया, ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक लिया ओ एच, ये एक्स इसके द्वारा अगर रिप्लेस हो जाए तो बनने वाली जो घटना होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब क्या हुआ इसका कि किसी एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक से, किसी एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक से किसी दूसरे नाभिक स्नेही अभिकर्मक का प्रतिस्थापन क्या कहलाता है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया आपकी दो प्रकार की होती है, एक तो होगी आपकी एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और दूसरी होती है द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस एक अणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया को हम बोलते हैं SN वन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसे हम? इसे हम बोलेंगे SN वन अभिक्रिया, और ये आपकी कहलाएगी SN टू अभिक्रिया। SN वन का मतलब है मोनो मोलिक्यूलर न्यूक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसका मतलब है बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 और SN2, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि SN1 क्या होती है, ठीक है। तो SN1 की अगर हम बात करें तो SN1 या एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसकी कोटि एक होती है, जिसकी कोटि एक होती है उसे SN1 प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया तो यह अभिक्रिया हमारी अगर इसकी बात करें तो यह आपकी होगी, यहां पे हम लेंगे तीन डिग्री एल्केलाइड। कौन सा डिग्री लेंगे? तीन डिग्री एल्केलाइड। हमारे पास ये है C और यहां पे कोई CH3 लगा हुआ है, और ये CH3 लगा हुआ है, और ये CH3 लगा हुआ है। यहां पे हम लेंगे कोई X। ये तीन डिग्री एल्केलाइड है। तीन डिग्री क्यों है? क्योंकि जो आपका X है वो एक ऐसे कार्बन जुड़ा हुआ है जिससे तीन अन्य एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी? तीन डिग्री। अब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे कोई न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट से। किसे कराएंगे? न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट से कराएंगे। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट है ये यहां से इस वाले एल्किल हैलाइड को रिप्लेस कर देगा, और यहां आपका बन जाएगा क्या? ये बनेगा आप लोगों का CH3 ये लग जाएगा, और CH3 ये, और यहां पे आएगा आपका NU न्यूक्लियोफिलिक प्लस X नेगेटिव, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट क्या होते हैं? अगर हम बात करें कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक कौन से होते हैं तो उनकी एक ही पहचान होती है, या तो उन पर नेगेटिव चार्ज हो या उन पर लोन पेयर हो। या तो नेगेटिव चार्ज हो या क्या हो उसके पास? लोन पेयर हो। अगर नेगेटिव चार्ज है, क्या चार्ज है हमारे पास? नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि वो हमें किस रूप में मिलना चाहिए? एन यू निगेटिव में मिलना चाहिए। अगर एन यू निगेटिव में मिलेगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे जैसे NH2 हो गया, ये एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। OH निगेटिव हो गया, ये एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। Cl निगेटिव है, ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। Br निगेटिव, ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। F निगेटिव, ये भी क्या है आपका?
कहां पे? नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। अगर हम बात करें अमोनिया की NH3 की, तो NH3 पे लोन पेयर होगा, तो जिसके पास लोन पेयर होगा वो भी क्या है? नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होते हैं? या तो उन पर निगेटिव चार्ज हो या उनपे ऊपर लोन पेयर हो, ठीक है, या तो निगेटिव चार्ज हो या क्या हो, लोन पेयर हो, वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाएगा, ठीक है। अगर इस रिएक्शन की क्रियाविधि की बात करें तो ये रिएक्शन हमारी दो पदों में पूर्ण होती है। अगर हम क्रियाविधि की बात करें तो इसकी जो क्रियाविधि होगी, इसकी क्रियाविधि दो पदों में पूर्ण होती है। कितने स्टेप होंगे इसमें? ये आपकी दो पदों में पूर्ण होती है। पहला पद, अगर हम प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद में क्या होगा? कार्बोधनायन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? कार्बोधनायन। कार्बोधनायन क्या होते हैं? वह धनायन जिसमें कार्बन परमाणु पर धन आवेश होता है, वो क्या कहलाता है? कार्बोधनायन कहलाता है। कार्बोधनायन आपका एक तो 1 डिग्री का होता है, एक 2 डिग्री का होता है और एक 3 डिग्री का होता है। इनमें जो स्टेबल कार्बोधनायन होगा वो आपका स्टेबल कार्बोधनायन जो होता है आपका, ये 3 डिग्री सबसे अधिक स्टेबल होता है, 2 डिग्री लेस स्टेबल, और जो आपका ये होता है ये वेरी लेस स्टेबल होता है। सबसे अधिक स्थाई कौन सा होगा? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, और सबसे लेस कौन सा होगा? 1 डिग्री कार्बोधनायन होगा। तो होना क्या है इसमें, जैसे मेरे पास ये है 3 डिग्री एल्किल हाइड, हमने कोई ले रखा CH3, यहां पे CH3 और यहां पे CH3 हो गया, हमने यहां पे X ले रखा है। अब ये कार्बन है और ये कोई हैलोजन है। अगर हम दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें अर्थात विद्युत ऋणात्मकता की बात करें, तो सबसे अधिक जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो इसमें किसकी होगी? कार्बन, और इसमें किसकी होगी? X की। किसकी होगी? X की। तो विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? किसी सहसंयोजी बंध में साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन को लेकर अपनी तरफ चला जाएगा, जब ये चला जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका? कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया किस पे? एक्स पे। एक्स पर चार्ज जाएगा निगेटिव और कार्बन चार्ज कैसे जाएगा? पॉजिटिव। तो ये आपका बन जाएगा CH3 और ये CH3 बन जाएगा, प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पे एक्स निगेटिव। ये जो पद है प्रथम पद जो कार्बोधनायन का निर्माण हो रहा है, ये आपका स्लो होता है, धीमी गति से होता है, और इसे हम बोलते हैं RDS अर्थात अभिक्रिया की दर को निर्धारित करने वाला पद, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप बोलते हैं। तो ये जो अभिक्रिया की जो कोटि होती है, जो अभिक्रिया की कोटि होती है उसे जो निर्धारित करता है वो आपका ये करता है RDS। कौन सा करता है बच्चे? RDS। जो आपका सेकंड स्टेप होगा, द्वितीय पद जो होगा, द्वितीय पद में जो आपका कार्बोधनायन है, इस कार्बोधनायन पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक का अटैक होगा। कार्बोधनायन पर NU का आक्रमण। किसका आक्रमण? NU का आक्रमण। जब इसका आक्रमण होगा तो ये हमारा धनायन है और NU पर निगेटिव चार्ज होगा, तो वो रिएक्शन हमारी कौन सी होगी? आयनिक रिएक्शन होगी, जो कि फास्ट होगी, ठीक है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 आ जाएगा और ये CH3 आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा और ये आपका कोई NU होगा, ये इस पर अटैक करेगा, ठीक है, और ये आपका फास्ट होगा। जब ये फास्ट होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे तुम्हारा क्या जाएगा? NU। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि एक होती है उसे हम क्या कहते हैं? SN1 अभिक्रिया कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसकी दर को केवल अभिकारक का एक अणु निर्धारित करता है, उसे हम क्या कहेंगे? SN1 अभिक्रिया, या एक अणु नाभिक स्नेही अभिकर्मक अभिक्रिया। अब इसके अगर हम रेट की बात करें, अगर हम इसके रेट की बात करें तो मैंने क्या बताया था कि ये RDS है, क्या आपका ये RDS है। अगर ये आपका RDS है तो इसकी रेट क्या होगी? अगर हम दर की बात करें तो दर बराबर क्या होगा? K, और K पर जो आपका K के बाद जो रेट को डिटरमिनेट जो मतलब निर्धारित करेगा वो पद कौन सा होगा आपका? ये वाला। तो हम इसे RX, क्योंकि एल्किल हैलाइड बढ़ रहा है तो इसे हम RX लिख सकते हैं, RX की पावर
वन, क्योंकि ये तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं क्योंकि ये फास्ट है, और जो स्टेप फास्ट होता है उस स्टेप में किसी भी अभिक्रिया की जो दर है हम उसे निर्धारित नहीं कर सकते। तो इसकी कोटी कितनी होगी, इसकी कोटी कितनी होगी, अगर हम इसकी कोटे की बात करें तो इसको निर्धारित करने वाला पद एक है, तो इसकी कोटे कितनी होगी एक। दूसरा पॉइंट, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें कि SN1 अभिक्रिया की जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, तो सबसे ज्यादा प्रीफियर करेगा आपका 3 डिग्री, उसके बाद कौन सा करेगा 2 डिग्री, फिर कौन सा करेगा 1 डिग्री, ठीक है, कौन सा करेगा 1 डिग्री, ठीक है। एक पद और है, ये आपकी ध्रुवीय विलायकों में होती है, ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में होती है, एक बार फिर समझ लो, वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसकी कोटी एक होती है या जिसकी दर को निर्धारित करने वाला पद केवल एक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, SN1 अभिक्रिया कहते हैं। क्रिया यह अभिक्रिया दो पदों पूर्ण होती है, पहले पद में क्या बनेगा कार्बोधनायन का निर्माण, जो आपका यह एक्स है, एक्स पे इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा और आपका बन जाएगा कार्बोधनायन और एक्स हमारा अलग निकल जाएगा, यह आपका RDS होगा, RDS रेट डिटरमिनेशन स्टेप होगा। SN1 अभिक्रिया की एक विशेषता और होती है, SN1 अभिक्रिया में आपका SN2 अभिक्रिया दो अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसकी दर को अभिकारक के दो अणु निर्धारित करते हैं वो क्या कहलाती है, आपकी दो अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया 1 डिग्री एल के हैलाइड को फॉलो होती है, 2 डिग्री नहीं होती है, 1 डिग्री में फॉलो करेंगे, क्योंकि जो आपका कार्बोकैटायन है वो आपको या 3 डिग्री बनेगा या 2 डिग्री बनेगा। SN2 अभिक्रिया में आपकी संक्रमण अवस्था बनती है, इसमें कोई भी किसी भी कार्बोकैटायन या कार्बोधनायन का निर्माण नहीं होता। मान लो मेरे पास ये RX है, ये क्या RX, ये आपका एल्किल हैलाइड है और इसकी अभिक्रिया मैंने किससे कराई, किसी न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट से कराई, नाभिक से अभिकर्मक से कराई, तो होगा क्या, जैसे ये आपका RX है, इस RX को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, यह हाइड्रोजन होगा, यह हाइड्रोजन होगा और यह हाइड्रोजन होगा। अब होगा क्या, इस स्टेप के अंदर ये जो स्टेप आपका होगा ये सिलो होगा, और इस स्टेप के अंदर ये जो न्यूक्लियोफिलिक है, ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन की बैक साइड से अटैक करेगा, मतलब कार्बन की इस साइड से अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा तो यहां पे कार्बन के जो बॉन्ड दिखेंगे आपको 5 दिखेंगे, कि कार्बन की वैलेंसी 5 तो हो नहीं सकती, 4 ही होती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये आपका कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इस बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, जो NU है ये बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा और ये आप यहां से निकलना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट ये आपकी कहलाती है संक्रमण अवस्था, क्या कहलाएगी, संक्रमण अवस्था कहलाएगी। फाइनल में क्या होगा, फाइनल में यहां से ये पूरा बाहर हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3NU, क्या बन जाएगा CH3NU प्लस एक्स निगेटिव, ठीक है। तो SN2 में क्या होना है, कोई एल्किल हैलाइड होगा, इस एल्किल हैलाइड पे हमारा NU का अटैक होगा, NU का अटैक होने के बाद यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, ये कहलाएगी हमारी संक्रमण अवस्था, कौन सी अवस्था कहलाएगी, संक्रमण अवस्था कहलाएगी, और यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा दर की बात करें, दर तो दर बराबर क्या होगी के, इसके अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहा है, जो स्टेट बनी है, इसमें आपका NU भी है और एल्किल हैलाइड भी है, दोनों मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसकी रेट क्या होगी RX, और RX की पावर हमारी 1 हो जाएगी, और पार्टिसिपेट इसने भी किया है तो आपका NU माइनस भी आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है, इसकी 1। तो अगर हम इसकी ऑर्डर की बात करें तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी 1+1, तो ऑर्डर कितनी होगी इसकी हमारी 2। तो ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 होगी SN1, जिसकी कोटि 2 होगी SN2, जिसके आप जो केवल एक पद में पूर्ण होती है वो SN2 होगी, जो आपकी दो पदों में पूर्ण होती है वो आपकी SN1 होगी, जिसमें कार्बोधनायन का निर्माण होगा वो आपकी SN1 होगी, और जिसमें संक्रमण अवस्था होगी आपकी वो SN2 होगी, ठीक है बच्चे।